मेरी चद्दर वद्दर चेंज हो चुकी है। बेबी को सुलाना है क्या? और अब इसके बाद हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गिन्नी उठ चुकी है और गिन्नी ने उठते ही डिमांड किया कि मम्मा मुझे लड्डू खाना। पर हम इसके लिए ना मतलब लड्डू वगैरह रखते हैं फ्रिज में, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा, तो मैंने क्या किया कटोरी में रख के और इसके गर्म पानी डाल दिया, थोड़ा देर में नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मौसम है थोड़ा ठंडा अजीब सा ही है। अगर बच्चों को ज़्यादा ठंडा देगा तो बच्चा बीमार भी हो सकता है। इस वजह से पहले भी मैंने एक बार गलती कर चुकी, मैंने इसको फ्रिज का ठंडा दे दिया, इसको फीवर हो गया था। इस वजह से मैं फ्रिज का इसको कुछ भी नहीं दे रही और इससे इसे वेट नहीं हो रहा कि मैं इसको 15-20 मिनट बाहर रख दूँ। इस वजह से मैंने गर्म पानी में रख दिया कटोरी में रख के, है ना गिन्नू? इसके लिए हम मीठा घर में रखते हैं, मीठे की इतना शौकीन है, बहुत ज़्यादा शौक है इसे। शुक्र है लड्डू था, उठते बोली लड्डू ना ही नहीं होते तो रोने लग जाते, 1 घंटे तक चुप ही नहीं होती। अच्छा दे रही बेटा दे रही है। आज नाश्ते में मैंने आलू प्याज के पराठे साथ में दही खाने तो भूल हुआ है। बेबी को सुलाना है क्या? लो दो। कहाँ पे सुलाऊं? गोडे पे सुला दूं? लो दो, इसके पीछे पड़े ना, गोडे पे सुला दो। अरे सुलाते दे फिर बेबी को, गोडे पे सुला दो। मशीन चला देते हो? ठीक है। ओ मेरा लाडो रे, ओ मेरा बेबी रे, ओ मेरा लाडो रे, ओ मेरा बेबी रे। टीवी चला रही है, देखना यूट्यूब चला रही है। टीवी बोल के हम बोलते ना, जैसे माइक उसमें रिमोट बताइए, भी बोल रही है। पता क्या कह रहे हैं? काओ राइम इन यूट्यूब ना, यही बोल रही है ना। अरे बच्चा मैं समझ जाती तेरी बात। काओ राइम अभी लग जाएगा, इसको बटन दबाना पड़ता है। बेटा मैं दबाती हूँ। अभी तो सो गए, सुला दूँ? सोफे पे ना कंबल रखती है और इसको इस तकिए पे सुलाती कि नहीं, देखना। इसमें सुला दो सोफे, बेटा मैं काम करूँ, गोडो पे बाद में सुला दूंगी। अच्छा ले ले, गोडो पे सुला करे, गोडो पे सुला दो, गोडो पे ले। ओ क्या होगा बेबी, गिर गया? इसमें गुण नाराज होने वाले थे, कोई बात ही नहीं, उठा लो फिर मम्मा को, तो ले उठा के। ओ लेट के देखना टीवी। अच्छा देख लो, लेट के देख लो, फिर लो लेट जाओ। लेट के देख लेना बस बस खुश। काओ राम इन यूट्यूब, काओ फाइटिंग सिखा दूं? बेटा पहले बटन दबाना पड़ता है फिर। गाइस दोपहर के बजे 12:30, मैं आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, अभी नहा के आई हूँ। गिन्नी को मैंने पहले नहला दिया था और अभी मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, इसके बाद मैं आज मैंने झाड़ू भी लगाया, जल्दी से झाड़ू लगाऊंगी। नाश्ता मेरा हमारा हो चुका है और मम्मी पापा गए रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल, इसलिए वरना तो मम्मी पापा के पास रुक जाती, मैं काम कर लेती, बट आज मैं अकेली थी घर पर इस वजह से। तो अभी गिन्नी को मैं संदीप के पास नीचे शॉप पर छोड़ के आई, वहाँ थोड़ी देर खेल लेगी, अभी भी कर रही हूँ मम्मी के पास जाना, बट मेरा काम बहुत सारा बचा हुआ यार, कुछ भी नहीं किया आज मैंने, जल्दी जल्दी सारा निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी अपना लंच की तैयारी करूँगी। और सबसे पहले मैं अपनी चादर चेंज कर लेती हूँ। गिन्नी के साथ ना 2 दिन ही चादर चलती, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, और वाइट चादर वजह से वो येलो येलो बहुत जल्दी हो जाती है वाइट चादर। मेरी चादर वादर चेंज हो चुकी है, शाम के बजे हैं 5, सबके लिए बना रही हूँ मैं चाय, लेकिन पापा जी जैसे चाय नहीं पीते तो पापा जी के लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पे ब्लैक टी। पहले मैं गिलास में नींबू निचोड़ लिया है और इसमें जो ब्लैक टी थी वो डाल दी है, अभी पापा जी को देने जा रही हूँ बस। और डिनर में बनाई मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी, दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना, मुझे भी खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। और इसके बाद मैं करेले और भिंडी सुबह के लिए तैयार करूँगी। भिंडी को मैंने भिगो दिया पानी में थोड़ी देर के लिए और करेले को भी मैंने धो के सूख। मेरी सब्जी निकाल दी है, पनीर मेरा आटा भी लग चुका है और मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है और सुबह के लिए सुबह बनाऊंगी। भिंडी तो भी मैंने धो के और रख दिया छलनी में ताकि सूख जाए, और शायद मेरा टाइम लगे तो करेले भी कर सकती हूँ, हल्के हल्के दो चीज़ हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करती हूँ, काफ़ी देर से बोले मम्मी साथ खेल लो खेल लो,
गिन्नी आ जाओ। हाँ बीबी चलो करते हैं। ये बिछा दू क्या करोगे? खाने की दीवानी पे डांस करना है। कार भी अच्छा ये बिठा दूं। अभी बिछा खेरी काना की दीवानी लगा दो, मैं डांस करूँ इसमें। बहुत पसंद है ये वाला भजन, रोड डांस करके इसमें। अच्छे से डांस करो। गिर जाओ चक्कर आ जाएंगे। डांस देखो इसका। बस अब रुक के करो डांस, बस बहुत घूमने करो। करो बेबी अच्छे से। गिन्नी ने लगा रखी मेहंदी अपनी दादी से लगवा के आई है। दिखाने गिन्नी दिखाना 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 जल्दी दिखाओ। इधर इधर शीशे में मेहंदी को शीशे में देखता है। इधर दिखाओ मम्मा को। गिन्नो मेरा मेहंदी में देख दे के लगा रही है। लड़के काम देखो ये लड़के काम दे। अरे 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 कितनी सुंदर मेहंदी गिन्नी की। वाह किसने लगाई है? दादी ने लगाई है। फूकर के सवालो ऐसे देखो कैसे फूकर रही हो। देखो कैसे करना। जो है आठ गिन्नी पहले खाना खिला देती हूँ। तो गिन्नी खाना है आलू की सब्जी होती। इसके बाद फिर मैं बनाऊँ खाना सबके लिए। पहले मैं खाना बना के सबसे पहले गिन्नी खिलाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर सब खाते हैं। और ये मैं करेलों को कट कर लेती हूँ और इनके बीज निकाल देती हूँ, साथ साथ इनको नमक लगा के रख देती हूँ। और इसके बाद मैंने अभी करेले के नमक लगा कर मैंने सारे बर्तन कर लिए। बर्तन के बाद अब ये मैं अपनी भिंडी कट करूँगी सुबह के लिए। सुबह के लिए दो सब्जी हो जाएंगी, करेला और भिंडी। और भिंडी को कट कर लेती हूँ मैं। और मेरे करेले भी हो चुके हैं और भिंडी भी कट हो चुके हैं, मेरे बर्तन भी हो चुके हैं। मैं अभी जा रही रूम में गिन्नी को के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से इसके लिए आलू पराठा खाया था, वो भी खाया। अभी मैं आलू की सब्जी और रोटी खिलाती इसने वो भी नहीं खाई, तो मैं दूध की ट्राई करती हूँ ये दूध पी ले बस। और चलती हूँ मैं अपने रूम में गिन्नी का दूध लेके। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। रात तक पूरे फेस के ऐसे बैंड में जाते हैं काम करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।